My dear students, how are you all? And today's topic is Unit 4. And in this unit, there is a poem named as Rain. You know that? What is rain? Rain matlab barish. So prior to going to the meaning of this poem, we have to first read this. So let's do it with me. The rain is raining all around. It falls on field and trees. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. ठीक है, and this poem is written by Robert Louis Stevenson. So इसका मतलब क्या है? The rain is raining all around. देखो जब बारिश होती है तो हर तरफ क्या होती है बच्चा? बारिश ही बारिश होती है ना? It falls on the field and trees. और जब बारिश होती है तो क्या होता है? देखा आपने, पेड़ों पे भी बारिश होती है, गिरती है ना बारिश की बूंदें, खेतों में भी बारिश की बूंदें गिरती हैं. It rains on the umbrellas here. अच्छा, और जब आप छाता लेके कभी बाहर जाते हो बारिश में तो आपके छाते के ऊपर बारिश की बूंदें आती है ना? हाँ, तो यानी अम्ब्रेला पे भी क्या आती है? बारिश होती है, रेन्स होता है. ठीक है, एंड ऑन द ships at sea. इवन दो जब आप क्या होंगे, समुद्र पे अगर शिप पे बैठे होंगे और तब भी अगर बारिश हो रही है तो वहां पे भी क्या आएगी? आपकी बारिश की बूंदें आएंगी. तो जब भी बारिश होती है तो हर तरफ क्या होती है? बारिश होती है. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं हो रही है और कहीं नहीं हो रही है. तो ये क्या है? ये पोयम है आपकी रेन. एंड इन दिस देयर आर न्यू वर्ड्स आर फील्ड, अम्ब्रेलास एंड शिप्स. ओके, थैंक यू.